अब हमारे पास देखो सबूत तो इस बात के हैं नहीं, लेकिन जैसा हमें लोग बताते हैं प्रशासन के जो लोग हैं उनकी रजामंदी से एनक्रोचमेंट हो रही है, और ये लोग कहीं ना कहीं इसमें कुछ पैसे का लेन देन है इसमें, चाहे नगर परिषद वाले ले रहे हो चाहे थाने वाले ले रहे हो, भगवान जाने, पर सुनते जरूर हैं हमेशा। तो जो दुकानों के आगे जो फड़ लगी हुई है उनका क्या सीन है? वो जी जो जिस दुकानदार के आगे फड़ वाले बैठे हैं वो किराएदार किराए दे रहे हैं उसको, दुकानदार के मालिक को, जबकि सड़क है नगर परिषद की। भाई हमारा शटर जो लग रहा है उसके बाद तो सब सरकारी है। क्या चर्चा है कि दुकान का किराया कितना होगा पड़कर? भाई कोई 25,000 बताता है, कोई 30,000 बताता है, कोई 10,000 बताता है, कोई 15,000 बताता है। इतने महंगे पड़ाके क्यों चल रहे हैं यहाँ पर? भाई देखो ऐसा, ये बेरोजगारी तो बड़ी हुई है, इसका एक तो बड़ा सबसे बड़ा कारण ये है। फिर जो ये लोग फड़ लगा के बैठे हैं, ये लोग हरियाणा से बाहर के लोग हैं, हमारे यहाँ रहते भी नहीं है, बाहर से आए हुए हैं, उनको ये लग रहा भाई चलो भाई चाहे पैसा महंगा मिल जाए और भाई मेरा काम चल जाए कुछ, यही लालच है। और जो दुकान का जो किराया बचता है उनको ये फायदा है, उनको स्टाफ बचता है? नहीं उनको ये पहचान भी है क्या? इनकी पहचान तो देखो जी यही है, ये लोग बाहर से आके बैठे हुए हैं, रोड पे सामान रखा हुआ है और ये माल लाते हैं जहाँ से भी लेके आते होंगे और बेचते हैं उसको। नहीं जैसे आप लोग दुकानदार है, बड़ी बड़ी दुकान है आप लोगों की, आप लोग तो हिम्मत नहीं कर पाते इतना किराया निकालने की, जबकि आप खुली दुकान है, लेकिन ये फड़ इतना महंगा। भाई भगवान जाने कहाँ से ये लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तो भगवान जाने। इसकी भी जाँच होनी चाहिए, मेरे साथ जाँच होनी चाहिए भाई, इतना ये किराया दे रहे हैं, इतनी कोई बहुत बड़ी सेल नहीं के सारे दिन इन पर भीड़ लगी रहती हो, कोई बहुत ज़्यादा सेल तो इनके पास है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बाज़ार, जब बाज़ार में ग्राहक होता सब दुकानों पे काम होता है और ये खाली बैठे रहते हैं ये लोग। ये बाज़ार में काफ़ी अतिक्रमण हो रहा है, क्या कहेंगे आप? सड़क पर भी दुकान सजी हुई है। देखो तो कई बार बाजार वालों ने मिलकर, मोहल्ले वालों ने मिलकर इस तरह की मुहिम चलाई, व्यापार मंडल के साथ मिलकर चलाई, लेकिन बाजार वाले मानते ही नहीं। जब तक प्रशासन सख्त कदम नहीं उठाएगा ये अतिक्रमण नहीं हट पाएगा। सरकारी जगह पर भी कब्जा कर रखा है लोगों ने? सरकारी जगह पर जब प्रशासन कुछ कहता ही नहीं है, सरकारी जगहों पर सब पे कब्जा हुआ पड़ा है, बाजार के रोडों पर कब्जा हुआ पड़ा है, आम आदमी को चलने में दिक्कत है, मोटरसाइकिल निकालने में दिक्कत है, मोहल्ले वालों को दिक्कत है। तो लोग ग्राहक शिकायत भी करते हैं कई बार? खूब शिकायत करते हैं। आम आज की तारीख में कोई हादसा हो जाए शहर के अंदर, कोई आगजनी हो जाए तो इसकी गाड़ी पहुंचेगी नहीं फायर ब्रिगेड की। आज कोई वैसे जनरल हादसा हो जाए और किसी को मरीज को लाना पड़े तो गाड़ी वहाँ नहीं पहुँच सकती, एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती बाजार में अतिक्रमण के लिए। बाजार इतना चौड़ा है, अगर अतिक्रमण ना हो तो आप गाड़ी पार ले जाओ। जो बाजार में आप बता रहे हैं कि प्रशासन कुछ करता नहीं, इसके पीछे कोई क्या वजह है? उसके पीछे वजह तो सरकार है, विधायक हैं यहाँ के। नहीं दीपक शर्मा जी ने अपनी कहा कि इसके पीछे कोई हो सकता लेन देन हो, लेकिन सबूत नहीं है, वो ये कहते हैं साहब। नहीं नहीं देखो लेन देन की बात मैं ये नहीं इसलिए नहीं कहता, जब तक हमारा प्रशासन भले ही हो, अगर ऊपर की सरकार जो यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, एम सांसद हैं, अगर वो चाहें तो सब कुछ हो सकता है। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, Facebook पेज, Instagram और Twitter हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा मेनस्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फ़ायदेमंद है। तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।